हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षवीरा। मुंबई के फोर्ट एरिया में ये बड़ी सी आइकॉनिक बिल्डिंग आप सभी ने जरूर देखी होगी। ये है BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और पूरे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विद द स्पीड ऑफ 6 माइक्रोसेकंड्स। इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि शायद ही आप कभी इस बिल्डिंग में जा पाओगे, और इस बिल्डिंग में क्या चल रहा है ये आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। 14 दिसंबर 2022 को हम सब लोग BSE विजिट पर गए थे, जहां हमने इस बिल्डिंग को करीब से देखा, इसके अंदर भी गए और कई सारे फोटोज भी क्लिक किए। वहां BSE इंस्टीट्यूट के नेशनल हेड मुमताज मिस्री मैम ने हम सबका वेलकम किया, और वहां के स्पीकर ने हम सबको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का डिटेल्ड ओवरव्यू भी दिया। क्या आप भी जानना चाहते हो कि आखिर इस बिल्डिंग में क्या होता है, तो आइए शुरू करते हैं। इस बिल्डिंग का नाम है फिरोज जीजी बॉय टावर, पॉपुलरली नोन एज BSE टावर। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1970 में शुरू हुआ था, और इस बिल्डिंग का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट थे मिस्टर चंद्रकांत पटेल, और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का मेन कॉन्ट्रैक्टर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में करीब 10 साल लग गए, और फाइनली 1980 में BSE टावर रेडी हो चुका था। 2018 में BSE ने अपनी इस आइकॉनिक बिल्डिंग का ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवाया है, यानी दुनिया में कोई भी बिल्डिंग अब BSE टावर के जैसी नहीं बन सकती है। अलग अलग त्योहार पर इस बिल्डिंग को सजाया जाता है, और इस बिल्डिंग को इतना सुंदर बनाने का ये काम BSE और BMC दोनों मिलकर करते हैं। ये बिल्डिंग के दो पार्ट्स हैं। पहला 29 फ्लोर की 118 मीटर लंबी ये बिल्डिंग, और दूसरा ये 100 फीट डायमीटर वाला सर्कुलर हॉल, जिसे रोतुंडा बिल्डिंग के नाम से भी पहचाना जाता है। इट्स अ यूनिक राउंड शेप बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड, और इसकी ये ऊंची दीवारें मंदिर के जैसा लुक देती है। BSE का दी इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल यही बिल्डिंग में है। सालों पहले जब ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम नहीं थी, तब सारे ब्रोकर्स और ट्रेडर्स यहीं पर इस हॉल के अंदर आके फिजिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे। आइए इसे और भी अच्छे से देखते हैं। ये रोतुंडा बिल्डिंग का एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट पर रखा हुआ ये बुल का स्ट्रक्चर एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। 11 जनवरी 2008 को ये स्ट्रक्चर यहाँ रखा गया था। इसे चार्जिंग बुल भी कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर की हाइट करीब 5 मीटर है, और इसकी विड्थ करीब 8 मीटर है, और इसका वजन 1000 किलो है। ये चार्जिंग बुल का स्ट्रक्चर ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के माइंड में पॉजिटिविटी लेकर आता है टुवर्ड्स द अपवर्ड ट्रेंड इन द मार्केट। BSE एंट्रेंस पर रखा हुआ ये बुल लोगों के लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। इसके अलावा ये एक सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। यहाँ आने वाले विजिटर्स बाकी कुछ करे ना करे, बट इसके साथ एक सेल्फी जरूर लेते हैं। ये देखिए, हमने भी ली थी। BSE का इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर है। यहाँ एंट्रेंस पर 5 अलग अलग कंट्रीज के टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 घड़ियां लगाई गई है। अपने आलीशान इंटीरियर और डिजाइन के साथ साथ इसमें सेंट्रलाइज एयर कंडीशन, पोडियम, LED स्क्रीन, लार्ज साइज LED मॉनिटर, अराउंड 13x15 फीट का इंटरनेट कनेक्टिविटी, हाई एंड ऑडियो सिस्टम, सेपरेट हॉल फॉर सर्विंग फूड जैसी कई सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, जो किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। इस हॉल की कैपेसिटी करीब 1000 लोगों को अकोमोडेट कर सके उतनी है, और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शंस और अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। जब भी कोई नई कंपनी BSE पर लिस्ट होती है, तब उसकी लिस्टिंग सेरेमनी के लिए यहाँ सारा इंतजाम किया जाता है। आपने कई सारी कंपनीज की लिस्टिंग होते हुए देखी होगी, और उसकी लिस्टिंग सेरेमनी भी यहीं पर होती है। अब आते हैं इस बिल्डिंग के दूसरे हिस्से पर, दैट इज 29 फ्लोर टॉल BSE टावर। ये टावर उस वक्त मुंबई के सबसे ऊंची बिल्डिंग के लिस्ट में शामिल किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसे टाटा स्टील की जमशेदपुर की फैक्ट्री से मंगवाया गया था, जिससे इस बिल्डिंग की मजबूती और डिजाइन बेहतर बन सके। ये पूरी बिल्डिंग में करीब 8 ऑटोमेटिक लिफ्ट लगी हुई है। बिल्डिंग की हर तरफ ग्लास विंडोज है, जिससे ये बिल्डिंग और भी ज्यादा अच्छी दिखती है। इस बिल्डिंग की प्राइम लोकेशन की वजह से इस बिल्डिंग की छत से आपको पूरे मुंबई का आलीशान नजारा देखने मिल जाता है। वैसे तो इस बिल्डिंग के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है न्यू ट्रेडिंग रिंग, सेकेंड फ्लोर पर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है, थर्ड फ्लोर पर सर्वर और नेटवर्क रूम है, जहां से पूरे BSE टावर में ओवरऑल कनेक्टिविटी पहुंचाई जाती है। 13 फ्लोर पर सेंट्रल कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट था, जिसको अब 22nd एंड 23rd फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। 17, 18 और 19 फ्लोर पर BSE इंस्टीट्यूट की ऑफिस और क्लासरूम है, जहां BSE इंस्टीट्यूट के कई सारे कोर्सेज रन किए जाते हैं। BSE इंस्टीट्यूट के तरफ से स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। सम आर शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड सम आर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। 25th फ्लोर पर BSE एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड का प्लेटफॉर्म है, वहीं BSE SME प्लेटफॉर्म की ऑफिस भी वहीं पर है। 26th फ्लोर पर वेल इक्विप्ड बोर्ड रूम, लग्जरियस प्रेसिडेंट्स रूम और 60-70 लोगों की कैपेसिटी वाला एक बैंक्वेट हॉल भी है।
कोई भी छोटा मोटा फंक्शन अगर बीएससी टावर में रखना है तो वहाँ अरेंज किया जाता है। 28th फ्लोर पर स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप डिपार्टमेंट है एंड ड्यू टू सेंसिटिव डेटा एंड हाई सिक्योरिटी विजिटर्स आर अलाउड ओनली इन सिलेक्टेड एरियाज। आप पूरे बीएससी टावर की विजिट कभी नहीं ले सकते हो। 12th मार्च 1993 को करीब 12 टेररिस्ट ने मुंबई पर जो बॉम्ब अटैक किया था उसमें बीएससी भी एक टारगेट था। तब बीएससी के बेसमेंट में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था जिसमें कई सारे ट्रेडर्स और ब्रोकर्स की मौत भी हुई थी। करीब 50 से ज्यादा गाड़ियों में आग लग गई थी। इसी वजह से बीएससी की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई है। बीएससी बिल्डिंग के आसपास के एरिया में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और बिना परमिशन के कोई भी व्हीकल अंदर ना आ सके इसीलिए स्टेनलेस स्टील के बुलार्ड्स भी लगाए गए हैं। बीएससी के एंट्रेंस गेट पर भी बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। बिना आइडेंटिटी कार्ड या विजिटिंग पास के किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं है। अंदर जाने वाले हर इंसान को मेटल डिटेक्टर मशीन से भी गुजरना पड़ता है टू एंश्योर मैक्सिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ऑल्सो बीएससी टावर के हर फ्लोर पर ग्लास डोर्स लगे हुए हैं जो सिर्फ वहां के सिक्योरिटी गार्ड के फिंगरप्रिंट या आई कार्ड से ही खुल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये बीएससी टावर की सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए इसके सारे के सारे इक्विपमेंट्स इतने स्मार्ट है जो शायद ही कोई अनहोनी होने देंगे। इस पूरी बिल्डिंग के आसपास 125 फीट लॉन्ग ट्रू कलर हॉरिजॉन्टल एलईडी टिकर है। ये टिकर स्टॉक के लाइव प्राइसेस दिखाता है और वहां से गुजरने वाले कई लोगों के लिए ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। इस सब के अलावा बिल्डिंग के बाहर एक बड़ी सी एलईडी वॉल भी लगी हुई है जिस पर लाइव बिजनेस न्यूज चैनल को टेलीकास्ट किया जाता है। वहां से गुजरने वाले कई लोग आए दिन ये न्यूज देखते रहते हैं। वैसे हमने जो बीएससी विजिट अरेंज की थी उसमें हमें भी बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं मिला था, लेकिन हम रोतुंडा टावर में गए थे। वहां इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में हम 350 स्टूडेंट्स के साथ थे और वहां बीएससी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ महासेमिनार हमने अटेंड भी किया था। बीएससी में काम करने वाले एम्प्लॉइज हाईली प्रोफेशनल और पोलाइट मैनर में बिहेव करते हुए दिखे, एक्सेप्ट दैट सिक्योरिटी गार्ड्स। वैसे उनकी तो ड्यूटी ही है सिक्योरिटी मेंटेन करना और इसीलिए उन्हें रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना पड़ता है। क्या आपने कभी बीएससी विजिट किया है? नहीं तो दोस्तों आप भी बीएससी विजिट कर सकते हो। आइए जानते हैं कैसे। कोई भी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट बीएससी विजिट का प्लान कर सकती है, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बीएससी विजिट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करेंगे बीएससी के रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें कॉन्टेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से शेड्यूल टाइम पर ये पूरी विजिट अरेंज करवा देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इस ईमेल आईडी पर बीएससी को विजिट की रिक्वेस्ट भी दे सकते हो एटलीस्ट 15 डेज बिफोर योर विजिट प्लान। अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अवेलेबिलिटी वो लोग आपके लिए एक शेड्यूल टाइम डिसाइड कर लेंगे जहां पे आपको बीएससी विजिट का मौका दिया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।